देखिए इस मछली का नाम है सिल्वर एरोवाना। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जिससे नए प्रकार की आपदाएं आपको देखने को मिलेगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का पानी बढ़ेगा और जितने भी आइलैंड है वो डूबेंगे। आपको मालदीव जैसी कंट्री डूबती हुई दिखेगी। जितने भी हमारे आइलैंड उनमें बहुत बड़ा खतरा है। आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। डबल डबल तार है ना, लाइव ज्यादा ज्यादा। चलो भाई देखे, गांव में नहीं देखे हुए तुमने? बहुत सारे मैं तो दूसरी बार देख रही हूँ, पहले भी इसी को देखा था। एक्वाटिक एनिमल देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये आपको रेड ड्रैगन देखने को मिल रही होगी। ये मैं आपको बता दूं, रेड ड्रैगन ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर ये इसमें देखने को मिलते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही सुंदर मछली, इसे रेड ड्रैगन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिल्वर डॉलर फिश। देखिए बहुत ही सुंदर ये मछली। कहीं ना कहीं हमें अपने चारों तरफ जो हमारे वन्य जीव जंतु है उनका संरक्षण करना चाहिए। जब ये जीव है तभी हम है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। नहीं नहीं मछलियां आपको देखने को मिलेगी। आपको एक नई मछली का नाम मछली बता रहा हूँ, स्पॉटेड स्कैट इसका नाम है। ये आपको अधिकतर हरे रंग में देखने को मिलेगी और कई कोई कोई रेड कलर की भी देखने को मिलेगी, और इसका नाम स्पॉटेड स्कैट है। अब एक अलग मछली, इसका नाम है एक्सोस स्क्लीट। देखिए बहुत ही सुंदर मछली। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ ज़रूरत है उसके संरक्षण के लिए। मरीन फिश इसे कहते हैं। देखिए समुद्र में ये फिशेस अधिकतर पाई जाती है, सॉल्ट वाटर की ये फिश होती है। बहुत ही सुंदर ये मछली। देखिए कहीं ना कहीं ये, देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए दोस्तों, ये हमारे समुद्र ओशन के अंदर क्या क्या होता है इसका आपको संक्षिप्त में नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए इस मछली का नाम है सिल्वर एरोवाना। देखिए इस फिश का नाम है अरपाइमा। देखिए यहाँ पे हिरण अपना भोजन खाते हुए। अच्छा हमसे सावधान हो गए ना, पकड़ पकड़ के मारना चाहिए खाना के गुड। आपको खड़ी भी जाती है। अरे यार ये तो बेइज्जती की बात हो गई। अरे नहीं नहीं मैं बच्चा। तो देखिए यह जो है ये तो सुंदर।
इधर है, तो हम आपको आगे और बर्ड दिखाते हैं। दिखाइए दिखाइए, आप दिखाइए क्या देख रहे हो आप। ये है लव बर्ड। ये लव बर्ड आपका नाम क्या है? लव और बर्ड। इनकी लेंथ 13 से 17 सेंटीमीटर होती है। वेट इनका 40 से 60 ग्राम तक होता है। एवरेज लाइफ स्पैन यानी कितने साल जीवित रह सकती है, ये 15 साल तक जीवित रह सकती है। और एग गर्ल साइज, बजरीगर। हाँ ये है बजरीगर। अब हम आपको अब दिखा आपको मिठू रोज यानी रोजिंग पैराकीट, जो हमारे पहाड़ में आपको बहुत बहुत आया देखने को मिलेंगे। इंडियन कोबरा, देखिए इंडियन कोबरा। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, हिंदू भगवान शिव के अक्सर वासुकी नाम एक नाग के साथ चित्रित किया गया है, जो उसके गर्दन के चारों ओर केंद्रित किया जाता है। यह माया का विश्व भर पर उनकी महारत का प्रतीक है। विष्णु जी को आमतौर पर आदिम सर्प देवता और नाग देवता के रूप में चित्रित किया गया है। नाग पंचमी के दौरान भी कोबरा की पूजा की जाती है। ये भी फोन पे गेम खेलना चाहता होगा। जल्दी वसु की नाग इसे कहते हैं।